हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का बोटी रोल। इसके लिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून नमक है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, 1 टीस्पून विनेगर। चिकन में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मैं चिकन में सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद इसको बनाते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटे हो गए। इसको फ्राई कर लेंगे हल्का साल डाल के। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है ये, बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं यूज़ किया है। इसमें चिकन को डाल देंगे। चिकन डालने के बाद लो फ्लेम पे 20 मिनट तक इसको पकाना है, फिर उसके बाद चेक करते हैं। बीच बीच में इसको पलट देंगे। 20 मिनट तक लो फ्लेम पे चिकन को पकने देते हैं। चिकन एक तरफ रेडी हो रहा है। रोल के लिए मैंने 2 कप आटा लिया। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप मैदा 1 कप आटा। मैं गेहूं के आटे में ही बना रही हूँ। इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, 2 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून नमक। मिक्स करके इसका हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। ना बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा ना बहुत सॉफ्ट ही। इसका डो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए आटे को गूंद लिया मैंने। उसमें हल्का सा ऑयल ऊपर लगा देंगे, सूखे नहीं। पंद्रह मिनट रेस्ट पर इसको रख देंगे, जब तक एक तरफ चिकन भी रेडी हो जाएगा। चलिए इसको रेस्ट पर छोड़ देते हैं। टेबल स्पून मेयोनीज ले लेंगे। वन टीस्पून केचप, केचप ज्यादा नहीं यूज करना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने रोल में ही लगाने के लिए हरी चटनी बना ली है। 20 से 25 धनिया के पत्ते, 2 हरी मिर्चें, बस थोड़ा सा नमक डाल के इसको इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट बना लेंगे इसका, रेडी है। थोड़ी सी प्याज है, खीरा है, ये भी हम रोल में ही भरेंगे। चलिए चिकन तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर रोटियां बना लेते हैं, फिर रोल की। इस तरह से देखिए मैंने नॉर्मल रोटी बना ली है, दोनों तरफ से सेकी अच्छे से। ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, मैंने लोइयाँ इतनी बड़ी बनाई। इस तरह से नॉर्मल रोटियाँ बना लेनी है रोल के लिए। ये सारी रोटियाँ बन जाए उसके बाद फिर रोल बनाते हैं। सारी रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने एक अंडा ले लिया है, इसको फोड़कर देखिए इसमें 1/2 चम्मच नमक मिला देंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। चिकन भी ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसकी हम फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले रोटी पर ग्रीन चटनी देखिए लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे। फिर मेयोनीज, दही, केचप का सॉस लगा देंगे। इसके बाद इसमें चिकन डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें चीज भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा खीरा। इसको इस तरह से लॉक कर देना है आपस में। तरह से सारे रोल की
फिलिंग कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के, थोड़ा बारीक सा चीज़ मिक्स कर सकते हैं इसमें। मैंने एक रोल चीज़ का भी बना लिया है, सेम सब कुछ रहेगा, बस इसमें चीज़ मिक्स कर देना है। थोड़ा सा तेल डालकर कर गरम कर लिया है, इसको इस तरह से देंगे। इसकी मैंने जो एक का होल बनाया है इसको ऊपर से हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, इसी तरह से हम सारे रोल सेक लेंगे। एक लगाने से थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। स्लो फ्लेम पे हमें हल्का सा सेक लेना है। साइड से हल्का ब्राउन हो गया था, मैंने वाला रोल पलट दिया, दूसरा भी धीरे से तरह से फ्लिप कर देंगे। इसमें मैंने चीज़ डाला है इसलिए ये थोड़ा पिघल कर बाहर आ रहा है इसका चीज़। इसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। हल्का सा एग लगाकर इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये इस तरह से ब्राउन हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। दोनों साइड से सिक गया है, ये वाला भी सिक गया है। इसमें मैंने चीज़ मिक्स किया था, बहुत ही देखिए इस तरह से। बाकी रोल भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। ये चिकन टिक्का बोटी रोल बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। इसको मैंने जो सॉस बनाया था मेयोनीज वाला उसी के साथ खाइए, इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग आएगा। बहुत ही यम्मी बना है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चिकन बोटी रोल बनाकर एंजॉय करिए। थैंक यू। Thank you.